लंदन के लाडले मशहूर मास्टर ऑफ रिदम सैंडी मैन से। बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, वेरी नाइस। लंदन में रह के इतना अच्छा बजाना मुश्किल काम। सैंडी मैन है दुनिया के बेहतरीन म्यूजिक अकंपनिस्ट में से एक। उनकी उंगलियां जब साथी कलाकार के साथ जुड़ती हैं, तब माहौल में छा जाता है जादू। सैंडी मैन, जो एक समय पे संदीप नाम से जाने जाते थे, उनका जन्म लंदन में हुआ था, पर उनके माता पिता उन्हें कोलकाता ले आए। एक नन्ना बालक जो एक जमीन से दूसरी जमीन पे ले जाया गया। कोलकाता, जो दुनिया के सबसे सुरीले शहर में माना जाता है, वहां उन्होंने जूलियन डे स्कूल में अपनी शिक्षा शुरू की। साथ ही पंडित गोबिंदा चैटर्जी और पंडित सुभाकर बैनर्जी की निगरानी में उन्होंने तबला सीखना शुरू किया। ये है निहार रंजन चक्रवर्ती और उनकी खूबसूरत पत्नी मिसेस गौरी चक्रवर्ती, संदीप के माता पिता। निहार रंजन अचानक से चल बसे। कुछ ही वक्त के बाद, जब संदीप 21 साल के थे, उनको अपनी माँ के खोने के सदमे से भी गुजरना पड़ा। Hi friends, I still remember I started off with nothing. I was just a kid in a new city, new cultures, with different people and totally a different way of living. That was the beginning of my life in a new country and learning a new instrument, the tabla. It took me years of painstaking practice to get to where I am today. It's only the blessings of my parents and Ashirvad of my gurus, and especially to all my listeners and all my friends, families and well wishers who has been there through this journey. When my fingers dance on the tabla, it dances with pleasure and pain that comes in an equal measure. Friends, and everyone watching this clip right now, thanks for being there for me. यहां से शुरू होती है संदीप की यात्रा म्यूजिक के मक्का रॉयल अल्बर्ट हॉल से। अब संदीप दुनिया भर में घूम रहे थे, जैसे कि बकिंगम पैलेस, राजशाही लोगों और संगीत के जाने माने नामों के साथ उन्होंने साउथ एशियन म्यूजिक संगीत को दुनिया तक पहुंचाया। और इसी कारण वर्ष संदीप का नाम भी दुनिया के जाने माने संगीत के कलाकारों और फनकारों तक पहुंचने लगा। संदीप अब सैंडी मैन कहलाने लगे। सैंडी मैन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप जो कुछ करते हैं बहुत बड़ा करते हैं। आप लंदन के शाहरुख खान हैं। You don't do anything small. जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। आपको लोग बहुत चाहते हैं इंग्लैंड में। मैं भी जब आता हूँ तो सारा दिन आपके साथ ही होता हूँ। आपके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के शॉप में भी आता हूँ, आपके साथ घर में भी आता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। और आप जो म्यूजिक के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएँ कि सैंडी मैन सबके दिलों में छा जाए और हर जगह उनका बोलबाला हो। ऑल द बेस्ट सैंडी। माय गुड फ्रेंड संदीप, हु इज द मोस्ट टैलेंटेड तबला प्लेयर, जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट सैंडी, संदीप चक्रवर्ती। ही इज अ फैंटास्टिक पर्सन एंड गॉडेस सरस्वती हैज ब्लेस्ड हिम। एवरी ईयर ही कीप्स ऑन हैविंग दिस इवेंट्स एंड His art in tabla is going higher and higher, but more than that, he is preaching the Saraswati's lessons to all of us
for which I really feel grateful and thankful to him. God bless you. Sandy Mann is already an established name in England and Europe already. And all my best wishes. Sandy, we love you. Sandy Mann, you rock. He's the best tabla player in UK for me. अब सैंडी मैन पपीता जैसे बॉलीवुड के मशहूर संगीतकारों में पहचाने जाने लगे। वो बनने लगे सबके चहीते साथी कलाकार दोस्त। सैंडी मैन एक मशहूर संगीतकार के अलावा संगीत साज में भी दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बिजनेस गुरु साउंड्स यूके में शुरू किया। गुरु साउंड्स को उस्ताद गुलाम अली जैसे कई एक संगीतकारों का प्यार मिला और प्रशंसा भी मिली। अब सैंडी मैन का अगला लक्ष्य था ब्रिटिश एशियन की जवान पीढ़ी को अपने संगीत से परिचित करना। सैंडी मैन की जिंदगी ने एक अलग रुख लिया। एक संगीतकार होने के साथ साथ अब वो एक टेलीविजन पर्सनालिटी, एंकर, होस्ट और कई चैनलों के प्रेजेंटर बन चुके थे। जैसा कि कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे खुशहाल परिवार का हाथ होता है और ये सैंडी मैन की जिंदगी का सच भी है। उनकी वाइफ दिया चक्रवर्ती और उनके दिल का टुकड़ा नन्नी सिया ने उनका जीवन प्यार से भर दिया, जो एक बार माता पिता के खोने से खाली हो गया था।
सैंडी मैन तहे दिल से उनके सारे दोस्तों और परिवार वालों और चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि सैंडी मैन मानते हैं कि उनकी दुआओं के बगैर वो इस मुकाम पर कतई नहीं पहुंच पाते। सैंडी मैन अब बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइजर्स को इवेंट ऑर्गेनाइज करने में भी मदद करते हैं। वो मशहूर वाधवा ग्रुप के म्यूजिक वीडियो में अपना जलवा दिखा चुके हैं। ये वीडियो यूके की जनता ने खूब सराही और कई नामी सेलेब्रिटीज ने इस वीडियो को प्रमोट भी किया। हाय, दिस इज बप्पी लहरी। आप लोगों का बप्पी दा अदा। आप लोग को सामने मैं आज आया हूँ, बहुत बड़ा एक खुशखबरी है। एक ऐसा एल्बम लॉन्च होने जा रहा है, मांगो दुआ। चाहिए आप लोगों का सबका सबका दुआ। ये जो एल्बम है मांगो दुआ, वंडरफुल, आप लोग जरूर देखिए, सुनिए। और इसमें काम पूरा वीडियो में जो रौनक बनाया, वन एंड ओनली Sandy Man is the best guy. Hey Sandy Man, you are unique in London. Thank you. Upcoming song, bahut aala song hai, suniyega. Mango Dua. Mango Dua. Dekho Sandy ka chamatkar. Vaada ye toote na, saath tera chhoote na. Oh meri jaane ja. रब से मांगू दुआ, मांगू दुआ, रब से मांगू दुआ, मिला मुझसे रब जो तू मिला। बॉलीवुड के मशहूर गायक शान ने अपनी आवाज मांगू दुआ सैंडी मैन के एल्बम को दी। सैंडी मैन अपने संगीत को अपने खूबसूरत पर्सनलाइज्ड स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं। सैंडी मैन कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता गया और उनकी यात्रा में मीडिया ने खूब साथ दिया।
तब जून 2017 में सैंडी मैन को रॉयल एल्बर्ट हॉल से वापस निमंत्रण आया और जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं, लाइफ कंप्लीटेड अ फुल सर्कल। हेलो, I'm Stephen Hill. I play George Harrison with the Bootleg Beatles, and I'm sitting here with the greatest tabla player in the world, Mr. Sandy Mann. Thank you. Yeah, please keep that going for our very own tabla player, Mr. Sandy Mann. सैंडी मैन कहते हैं, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो बारहा थोड़ी या ज्यादा इंसान पा ही लेता है।